हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सरकार को सौंपा है। किसानों की मांग है कि किसान आंदोलन के दौरान जो सरकार ने वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। आज तक आंदोलन के दौरान जो मुकदमे केंद्र स्तर पर लगाए गए थे उन्हें वापस नहीं लिया गया और न ही हरियाणा सरकार ने आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजे की राशि दी है। उनकी मांग है कि सरकार जल्द ही अपने वादों को पूरा करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। किसानों ने मांग करते हुए कहा है कि इस बार मौसम की मार की वजह से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है, इसके चलते उन्हें मुआवजे की राशि मुहैया कराई जानी चाहिए। नहीं, अभी हमें संयुक्त मोर्चा का यही बना है कि 24 तारीख को एक बार ये मांग पत्र दें, क्योंकि एक मामला इसमें देश के स्तर का भी है। जैसे हमारे झज्जर जिले में तो ज्यादातर हम कह सकते हैं कि पुलिस केस वापिस हो गए, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जैसे रेलवे के जो पुलिस केस थे वो चिट्ठी आने के बावजूद केंद्र सरकार ने ये चिट्ठी निकाल दी कि भाई पुलिस केस वापस होंगे, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ केस हैं हरियाणा में भी जो टू कोर्ट हो गए हैं, उनको वापस नहीं कर रही है सरकार, तो उन केसों को भी वापस लेने के लिए ये मांग है। और अगर सरकार ये नहीं मानती है तो फिर इसमें हम बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ में अभी हमने जो किसान आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए थे, 711 किसानों की जो शहादत हुई थी पूरे किसान आंदोलन में, उनकी लिस्ट जो कि तेलंगाना सरकार ने स्वीकार कर ली और उनको दो दिन पहले मुआवजा जो तेलंगाना सरकार ने घोषित किया था 3 लाख रुपया वो दे दिया, लेकिन हरियाणा सरकार उसमें कांट छांट कर रही है। जबकि हरियाणा सरकार के साथ हमारी बातचीत ये हुई थी कि भाई अगर कुछ किसान रह गए हैं तो उनका नाम आप जुड़वा दो, हम उनको देंगे। तो ये मांग भी है कि जो तमाम किसान आंदोलन के दौरान किसान शहीद हुए हैं उनको भी हरियाणा सरकार की तरफ से जो 5 लाख का घोषणा की गई थी वो मुआवजा दिया जाए। जी, मैं उमराव सिंह बेरी से। किसान आंदोलन में जैसे जो वादे किए थे सरकार ने, उन पर सरकार खरा नहीं उतर रही है, इसीलिए बार बार किसानों ने ज्ञापन देने पड़ते हैं और इकट्ठा होना पड़ता है सरकार को जगाने के लिए। तो तकरीबन जो पॉइंट्स थे वो हमारे 9 पॉइंट्स कवर कर ही दिए हैं वो भाई रामचंद्र जी ने, जैकन जी ने। तो हमारी सरकार से ये विनती है जो मुकदमे हैं सेंट्रल लेवल के हैं वो जल्दी से जल्दी वापिस हों, और यहाँ जो टू कोर्ट हो रखे हैं, एसपी साहब ने मिले थे, काफ़ी बढ़िया अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, एसपी साहब ने भी सुनवाई की थी हमारी बहुत बढ़िया। तो टू कोर्ट केस है वो हमारे पेंडिंग है, वो जल्दी से जल्दी निपटारा हो, जिला झज्जर का ज़्यादातर मैं बता पाऊँगा। और दूसरा जो समस्याएँ हैं बता रहे हैं, जैसे जिस हिसाब से सेना की भर्ती की है और भी हैं जो भी हैं, उसके लिए भी सरकार ने जनता की भलाई के लिए काम करने चाहिए, यही हमारी विनती है। और आज किसानों की तरफ से ये जो हमारी मांगे हैं किसानों के लिए वो ज्ञापन देने के लिए आए हैं डीसी साहब के पास। खराब फसल हो गई थी गेहूँ की, कम निकली है, उसकी भरपाई हो, 500 रुपये मुआवजा है। जब पंजाब सरकार दे सकती है तो हरियाणा सरकार ने भी देना चाहिए, ये तो सोचने वाली बात है। वहाँ तो बगैर मांगे एक बार उन्होंने 23 संगठन गए थे इकट्ठे होकर धरने पर बैठे थे जी, नेताओं का समर्थन मिलता रहा था, यहाँ तक कि सरकार से मंत्रियों का भी समर्थन मिला था, पर लेकिन अब कहीं ना कहीं दूरी बना रहा। हाँ, दूरी है वो तो दिखाई दे रहा है सब कुछ। और जिस टाइम में ये धरने उठने लगे थे, जो वायदे हुए थे, समझौते हुए थे हमारे सभी, उस टाइम भी सरकार ने बहुत ही सकारात्मकता दिखाते हुए ये सब खत्म किया था। और किसान इसलिए घर गए थे इसी उम्मीद के ऊपर कि ये सरकार हमारी बात मानेगी और जो ज़रूरी वाजिब है वही हमारा करना है, कोई नाजायज नहीं है इसमें। अब हम भी नहीं चाहते बार बार आंदोलन हो, उसमें आम पब्लिक को, सरकार को, प्रशासन को, सभी को परेशानी होती है, हमें तो होती होती है। तो हम सरकार को ये विनती करते हैं, अभी चेतावना चाहते हैं, ये जो मांगे हैं वाजिब मांगे सरकार ने माननी चाहिए, पूर्ति करनी चाहिए इनकी। जी जी, थैंक यू। आप धरना प्रदर्शन भी करते रहते हो, ये जैसा रामचंद्र जी ने बताया कुछ मांगे लंबित हैं, हम बार बार उठाते रहे सरकार के सामने ज्ञापन देकर। जैसे ये हमारा जो जल भराव झज्जर जिले में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हरियाणा भर में हुआ है, वैसे तो जल भराव से जो फसलें बर्बाद होगी, कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई, कहीं कहीं अतिवृष्टि हुई मौसम की मार से, उसके बाद जब गेहूं की फसल पक चुकी थी
तब आग से बहुत ज़्यादा फसलें बर्बाद हुई, तो उनके भी हमने ज्ञापन बार बार सरकार को दिए, लेकिन सरकार ने ना गिरदावरी करवाई और ना कोई मुआवजा दिया। एक मांग तो ये पेंडिंग पड़ी है। दूसरा, फसल कटाई के समय टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण गेहूं का दाना पिचक गया और झाड़ बहुत कम हुई, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम 500 रुपये प्रति क्विंटल जिसने किसान ने सरकार को बेचे हैं उसका वो भरपाई करें, ये मांग हमारी पेंडिंग पड़ी है। इसके साथ साथ जो इन्होंने बताई, हरियाणा में बेरोज़गारी भयंकर है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा लगभग 34-35% हरियाणा में बेरोज़गारी की दर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे ही बच्चे हैं बेरोज़गार, और कौन है, किसानों के, मजदूरों के, आम आदमी के बच्चे हैं। और वो फार्म भर भर कितना पैसा उन्होंने लगा दिया, टेस्ट की तैयारी कर कर, कोचिंग ले ले, तो खर्चा बहुत ज़्यादा, पढ़ाई में भी आजकल आपने पता पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और उसके बाद कोचिंग लेना और उसकी तैयारी करना, वह इंतज़ार करते करते और एज हो चुके हैं। एक ये बहुत बड़ी समस्या है बेरोज़गारी की। महंगाई खुद सरकार बढ़ा रही है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस हैं, अब तो घटे हैं, अब घटे हैं, 40 रुपये बढ़ा कर 5 रुपये घटा दिए, ये तो वो बात है, खाना पूर्ति है। अब चुनाव को देखते हुए ये घटाए गए हैं, आगे गुजरात और 5-6 स्टेट्स में इसी साल चुनाव हैं, तो जब चुनाव आते हैं तो ये रोक लगा देते हैं, घटा देते हैं, चुनाव जाते ये फिर छलांग लगाते हैं। तो इन मांगों को लेकर आज हम ये ज्ञापन देंगे।